आपको एक फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने अभी आपको बताया था ना कि रेस्पिरेशन जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, मतलब एक जहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होती है एंड दूसरा वो जहाँ पर ऑक्सीजन या तो कम अमाउंट में प्रेजेंट है या बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रेस्पिरेशन अगर एब्सेंस में हो रहा है ऑक्सीजन के तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दूसरा है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करोगे तो ज़्यादातर एनिमल एंड प्लांट जो भी इस अर्थ पर रह रहे हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका तभी होता है जब ऑक्सीजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को नहीं परफॉर्म करेगा क्योंकि उसका जो एनर्जी कंटेंट है वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड एक ग्लूकोज की बर्निंग से 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, एंड एक ATP में 35.5 किलो जूल एनर्जी होती है। देखो 1 ATP इज इक्वल टू 35.5 किलो जूल कैलोरी, यानी कि एनर्जी किलो जूल में है, जूल में भी नहीं किलो जूल में है। सोचो तो 35.5 होती है एक ATP में, और ऐसी कितनी जनरेट होती है 38 मात्र एक ग्लूकोज की बर्निंग से। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को सप्लाई करता है। ठीक है, तो उसमें मैंने फर्दर दिखाया है रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो प्लांट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंड देन फिर एनिमल पे आएंगे। एनिमल में आपको फिर कई सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन में सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई को ही देखा जाता है। ऑक्सीजन को गेन करने के लिए उनके पास अलग अलग ऑर्गन है, जैसे कि फिश में गिल्स होते हैं, फ्रॉग में स्किन होता है, ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, एंड इंसेक्ट्स वगैरह में ट्रैकिया होते हैं, एयर ट्यूब्स। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, उसके बाद फिर एरोबिक। तो सबसे पहले देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, देखो एरोबिक मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन लगा दिया दैट मीन्स उसकी एब्सेंस में। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो आपका रेस्पिरेशन जहाँ पर जो एनर्जी है फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज़ नहीं होता है, उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो व्हेन सेल और ऑर्गेनिज्म, देखो क्योंकि ये सेल में भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल क्या था आपके ह्यूमन बीइंग के बॉडी सेल्स में, अगर जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जबकि इन जनरल हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहे हैं लेकिन हमारी सेल्स में एनएरोबिक हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो या तो सेल या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है, यीस्ट। यीस्ट अगर उसको एनएरोबिक कंडीशन रहती है यानी कि उस एरिया में है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो वो फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करता है, एंड ऐसा करने में वो अल्कोहल बना देता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो व्हेन सेल्स और ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विदाउट यूटिलाइजिंग, तो जब हम न्यूट्रिएंट्स यानी जो फूड हम खा रहे हैं उससे जब एनर्जी रिलीज करा रहे हैं अगर हम उसमें मॉलिकुलर ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहला जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इन यीस्ट या इन द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एट द टाइम ऑफ हैवी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये दोनों ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। नाउ एक्सरसाइजेस जब करते हैं यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट बना था, लैक्टिक एसिड, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, इथेनॉल। तो ये दोनों चीज़ भी आप याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है पाइरूवेट से, आंसर इज इथेनॉल। एंड अगर आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि कम अमाउंट में है तो आपका बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पहली बात ये प्रोसेस आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दूसरी बात ये प्रोसेस आपके सेल में सेल ऑर्गेनेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है।
तीसरी बात 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड, ठीक है। चौथी बात कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आपका एज अ वेस्ट रिलीज होता है। बस इतना आपको समराइज कर देना है जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। तो देखो व्हेन टिश्यू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, अच्छा ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं फूड को बर्न करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। याद करिए जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था तो मैंने आपको कहा था कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो देखो कितनी खास बात है, CO2 जब रिड्यूस होता है तो ग्लूकोज बनाता है एंड ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 बनाता है कि नहीं। देखो CO2 जब आपका रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन, तब क्या बनाना था, ग्लूकोज C6H12O6, एंड यही ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जब एडअप होता है तो बनाता है CO2। तो देखो प्लांट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाय रिडक्शन ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, एंड जब रेस्पिरेशन होता है तो यही ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन को यूज करके फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो व्हेन टिश्यू कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, जैसे कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ब्रेक करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इस प्रोसेस में आपकी बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अराउंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, एंड साथ ही साथ ये प्रोसेस आपका कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या होती है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड अगर आपसे साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड साइट ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि यीस्ट जो फर्मेंट करके अल्कोहल बना रहा है उसका साइट क्या है, अगेन साइटोप्लाज्म। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन ही एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि किस तरीके से प्लांट रॉ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2 प्लस वाटर लाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेती है, ग्लूकोज, जो कि क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड इसमें एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा था जिसका नाम है ऑक्सीजन, एंड ये ऑक्सीजन ही जो प्लांट रिलीज करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस पूरे लिविंग बीइंग जितने भी अर्थ पर रह रहे उसको सस्टेन की हुई है। अगर प्लांट के फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन ही नहीं रिलीज होता तो आज कोई भी लिविंग बीइंग इस अर्थ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाता, है कि नहीं, क्योंकि हम हर एक लिविंग बीइंग को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा कर सके। तो हमारे लिए प्लांट कितने इंपॉर्टेंट है ये तो हमें इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हेडिंग लिखी है रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ ये एज अ वेस्ट जनरेट करते हैं इनको इसकी खुद से ही ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है जो कि प्लांट और एनिमल में जब हम बात करें कि इनकी जो एनर्जी डिमांड होती है वो एनिमल के कंपेयर में बहुत बहुत कम होती है, दैट इज़ इनका जो ऑक्सीजन का इनटेक है वो एनिमल्स के कंपेयर में बहुत कम होता है, बस इतना डिफरेंस है, वरना रेस्पिरेशन जो है वो आपके हर एक लिविंग बींग में हो रहा है, इवन दो प्लांट्स जो कि खुद से खाना बना लेती हैं एंड यही ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, बट इनको भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन इनका जो ऑक्सीजन का इनटेक है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इनको बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ठीक है। बल्कि इनके कंपेयर में बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इनसे 2 गुना और 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो इट टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट स्टेम एंड लीफ। नाउ ये इसकी एक और खास बात, ये जो ऑक्सीजन होता है
ठीक है, इसकी जो एंट्री है इसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया है प्लांट ने कि नहीं आपको ये एरिया है हमने इसे खुला रखा है, यहाँ से ऑक्सीजन जो होगा वो अंदर आएगा एंड यहीं से CO2 बाहर जाएगा, नहीं ऐसा कोई उन्होंने पर्टिकुलर एंट्रेंस नहीं दिया है। उन्होंने उनकी जो हर एक पार्ट है बॉडी का, चाहे वो लीव्स हो, चाहे ब्रांचेज हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, वो हर कोई इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, ब्रीद कर रहा है, ठीक है, रेस्पायर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम रूट्स में बोले तो रूट्स को जो ऑक्सीजन चाहिए रहता है वो सॉइल से ले लेता है। ठीक है, सॉइल में आपका जो वाटर होता है ना, सॉइल जो है गीली मिट्टी, उसमें पानी होता है, पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, तो रूट की जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो आपकी सॉइल से पूरी हो जाती है। अब आते हैं हम स्टेम्स में, तो अगर स्टेम आपका छोटा है तो वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का। अगर आपकी स्टेम जो है वो छोटी है तो वो ग्रीन कलर की होती है ना, तो ग्रीन कलर है दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी एंड फोटोसिंथेसिस के साथ उसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। अगर आपकी स्टेम जो है वो यंग होती है तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंड O2 अंदर बाहर जा सकते हैं। सिमिलरली लीव्स जो होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल कर सकती हैं, ठीक है, एंड CO2 को बाहर उसी से स्टोमेटा से वो बाहर भी चला जाता है। तो ये आपका अलग अलग इंडिपेंडेंट वे में यहाँ पर सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है, कोई भी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। लीव्स जो है वो स्टेम्स पे डिपेंडेंट नहीं है, स्टेम जो रूट पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्योंकि जो प्लांट होता है वो काफ़ी बहुत ही बड़े अमाउंट में फैला हुआ होता है, ठीक है, एंड एक्सपोज्ड होता है, इसीलिए उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है, तो उसके हर एक पार्ट में जो ऑक्सीजन है वो वाया डिफ्यूजन चला जाता है, ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है एज सच किसी भी तरह की मेन ऑर्गन की, जैसे कि हमारे बॉडी में है ना लंग्स लगे हुए हैं, ब्लड है, ठीक है, जिससे कि हर एक सेल्स तक पहुँचे, लेकिन क्योंकि प्लांट जो होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है तो वाया डिफ्यूजन जो है वो सीधा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले लेते हैं, उनको कोई पर्टिकुलर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, पहली बात। एंड दूसरी चीज़ कि सारे ऑर्गन जो हैं, सॉरी सारे पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो इंटरडिपेंडेंट है, रूट्स अपना अलग से ले रहा है, स्टेम के पास अलग चीज़ लगी हुई है, लीव्स के पास अलग है, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक। तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गैस इन रूट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर्स एंड पासिस इनटू द रूट सेल। तो जो भी रूट में सेल्स होती हैं उसको जो ऑक्सीजन चाहिए रहता है वो रूट हेयर्स के थ्रू मिल जाता है एंड फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट फ्रॉम द सॉइल। तो देखो, ये आपका रूट है, ठीक है, ये आपकी रूट, ठीक है, इसके आसपास लगा होगा सॉइल, ठीक है, उसमें क्या है आपका ऑक्सीजन। अब इससे निकल रहे होते कई सारे रूट हेयर, ठीक है, तो ये जो रूट हेयर होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, इसको कहाँ पहुँचा देंगे, सेल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कई सारी सेल्स होंगी तो उसमें ये ऑक्सीजन को पहुँचा देंगे एंड जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 जनरेट होता है वो भी इस सेल से फिर इस रूट्स के हेयर के थ्रू इस सॉइल में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 का एक्सचेंज होता है रूट्स में, ठीक। नाउ अब अगर हम बात करें स्टेम में, तो स्टेम आपके जब स्टार्टिंग में, जब प्लांट अभी बहुत छोटा होता है तो उसमें लीव्स तो आई नहीं रहती हैं, तो उस टाइम पे जो भी प्लांट की फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से पूरी होती होंगी, ऑब्वियस ये बात है स्टेम से, क्योंकि उस टाइम पर जब लीव्स अभी नहीं आए होते हैं तो स्टेम जो होता है वो आपका ग्रीन होता है, उसमें आपका क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है एंड स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें होती हैं जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर स्टेम आपका यंग है तो उस केस में जो भी आपका गैशियस एक्सचेंज होता है वो वाया स्टोमेटा हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, अगर जब प्लांट बड़ा हो जाता है, यानी कि जब वो काफ़ी वुडी हो जाता है, ठीक है, जब उसकी गर्थ इंक्रीज हो जाती है, तो आपने ज़रूर देखा होगा जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसमें बार्क आ जाता है, बार्क, बार्क मतलब छाल, ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी, जैसे कि नीम के पेड़ अगर आप कभी देखो वो बहुत ही पुराने हो तो आप उसमें देख सकते हो, सिमिलरली पीपल के पेड़ में आप देख सकते हो, तो जो भी पेड़ जब वुडी हो जाते हैं
तो उसमें आपके एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं लेंटिसल्स, ठीक है। एंड ये लेंटिसल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। तो अगर स्टेम आपका यंग होता है तो स्टोमेटा, एंड अगर जो आपका स्टेम जो है वो वुडी है, ठीक है, बार्क उसमें प्रेजेंट है, तो उस केस में आपका लेंटिसल्स हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। तो देखो, इन यंग स्टेम्स एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस वाया स्टोमेटा। मैंने आपको बताया था अगर प्लांट बहुत ही ज़्यादा यंग होता है, छोटा होता है, तो उस केस में स्टोमेटा जो होता है वो मोर देन इनफ होता है दोनों ही प्रोसेस को कराने के लिए, क्या क्या, आपका रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ फंक्शन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बट जैसे जैसे प्लांट ग्रो करने लगता है उस पर बहुत सारी लीव्स आने लगती हैं, जो स्टेम होता है वो ग्रीन से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है वो कौन टेक ओवर कर लेती हैं, लीव्स, ठीक है। एंड जो स्टेम होते हैं, स्टेम में अब जो ब्रीदिंग का सॉरी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो आपका वाया लेंटिसल्स होता है, ठीक है। तो उनका जो भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो लेंटिसल्स के थ्रू करते हैं। आपने देखा होगा जैसे प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसमें बार्क आ जाती है, बार्क मतलब छाल। आपने देखा होगा पेड़ों में ऐसे करके बार्क आती है, बीच बीच से फटी रहती है ना, इस तरीके से। तो ये जो बीच बीच में स्पेस जनरेट होता है, यही स्पेस आपका बेसिकली इससे ऑक्सीजन एंड CO2 एंटर एंड एग्जिट करते हैं, ठीक है। ये बीच बीच में जो भी बार्क के अंदर स्पेस होता है, आप आज का होमवर्क यही है कि आप किसी पुराने ट्री को जाकर ऑब्जर्व करिए एंड उसमें आपको ज़रूर ऐसे स्पेस देखने को मिलेंगे। बार्क हमेशा फटे रहते हैं एंड उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है एंड उससे ये आपका एयर जो होता है वो बाहर और अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके हैं जिससे स्टेम जो है वो अपनी गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को करता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज लीव्स। तो लीव्स में तो आप सभी को ही पता है वाया स्टोमेटा जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, जो भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है वो आपका लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उससे फुलफिल हो जाता है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो भी है वो आपका लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगा एंड जो भी सेल में आपके CO2 होगा वो अगेन स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ना एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ये होगी कि जब आपका डे और नाइट का समय होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है एंड कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, जब आपका दिन का समय चल रहा होता है तो दिन के समय आपका फोटोसिंथेसिस भी होता है एंड रेस्पिरेशन भी होता है ना। लेकिन रात के समय तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना, क्योंकि रात के समय आपका लाइट नहीं रहती है। तो दिन के समय प्लांट की जो भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो अपने से ही पूरा कर लेता है, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजन निकल रहा होता है ना। तो जो भी प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए रहता है वो उससे ही फुलफिल कर लेता है, ठीक। लीव्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, स्टेम एंड रूट्स की नहीं। ये हो गया आपका दिन का केस। जब रात होती है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा होता है, तो जो ऑक्सीजन है वो फिर प्लांट को किससे लेना पड़ता है, एटमॉस्फेयर से लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पास रात में फोटोसिंथेसिस का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तभी हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं ना कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसका एज सच यही एक रीज़न होता है, क्योंकि रात के समय जो आपके पेड़ होते हैं वो खुद ब्रीथ कर रहे होते हैं, वो खुद सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई भी ऑक्सीजन वो रिलीज नहीं कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन उल्टा कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक। एंड दिन के समय जो भी उनकी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो वाया फोटोसिंथेसिस ही फुलफिल हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में काफ़ी सारे अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ वो पोर्शन यूज़ कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए एंड बाकी सारा वो फिर से एनवायरनमेंट में दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ था जब हम लीव्स में रेस्पिरेशन देखेंगे। तो देखो, इन लीव्स रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा इनटू द सेल्स ऑफ द लीफ। तो लीव्स में क्या होता है, जो स्टोमेटा से ऑक्सीजन आ रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स में चला जाता है, लीव्स की सेल्स में, जहाँ पर फिर वो अपना यूज़ कर लेती हैं, ठीक है। एंड CO2 इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर
एंड जो एटमॉस्फेयर में CO2 होगा वो रिलीज हो जाएगा, जो भी सेल्स में रेस्पिरेशन के बाद जनरेट होता है ना CO2, वो आपका चला जाएगा स्टोमेटा से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब दिन के समय रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 रिलीज हो रहा है ना एज अ बाई प्रोडक्ट, तो इसको फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेती है प्लांट। तो यहाँ पर जो भी दोनों सब्सटेंसेज हैं वो बेसिकली प्लांट खुद ही से यूज़ कर रहा है। जो CO2 रेस्पिरेशन से जनरेट हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जा रहा है, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है ना। तो प्लांट यहाँ पर दिन के समय एकदम कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको चाहिए ही नहीं एटमॉस्फेयर से कुछ भी, बट रात के टाइम पर उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ठीक है। बट जो अमाउंट ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन के लिए वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी डिमांड होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, जबकि इनके कंपेयर में एनिमल्स कई जगह घूमते फिरते हैं, कई ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारी जो डिमांड है एनर्जी की वो इनके कंपेयर में ज़्यादा है, इसीलिए हम ज़्यादा ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं। बट प्लांट्स क्योंकि वो एक ही जगह पर फिक्स्ड हैं, कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी डिमांड ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए ये ऑक्सीजन भी बहुत ही कम रेट में कंज्यूम करते हैं, ब्रीदिंग रेट इनकी बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इन सेल्स इंक्रीजेस। अच्छा, ये लाइन क्यों लिखी है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट को खुद ही रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये इसको बाहर नहीं रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, उसको अपने में ही स्टोर किए रहते हैं। बट एक लिमिट से ज़्यादा जब बढ़ जाता है CO2 का कंसंट्रेशन, तब वो उसको थोड़ा रिलीज कर देते हैं, अदरवाइज वो अपने में स्टोर किए रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस लाइन का मतलब है। तो विद दिस हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पर बात करेंगे।